हे गाइस, वेलकम बैक टू द लॉजिक सेंटर। आज हम बात करेंगे देश की जानी मानी हस्ती के बारे में, जो कि एक वक्त पर दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे। उस वक्त उनकी इनकम 42 बिलियन US डॉलर्स हुआ करती थी, लेकिन आज की तारीख में उन्हें बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया गया है और उनकी इनकम जीरो हो चुकी है। तो जानेंगे इस वीडियो में ऐसा क्या हुआ उनके साथ जो कि वो एकदम से पूरे कंगाल हो गए। सो लेट्स बिगिन। आप में से कई लोग समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ धीरू भाई अंबानी के छोटे बेटे और मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी के बारे में। तो चलिए जानते हैं अनिल अंबानी की बैंकरप्सी की पूरी कहानी। 2002 में धीरू भाई अंबानी के निधन के बाद 2005 तक दोनों भाइयों ने मिलकर बिजनेस को अच्छे से चलाया। उस वक्त दोनों भाइयों की ज्वाइंट इनकम $6.4 हुआ करती थी। फिर जब 2005 में बंटवारा हुआ तो मुकेश अंबानी के हिस्से में पेट्रोकेमिकल्स के कारोबार आए, जिसमें उन्हें इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कंपनीज अपने हिस्से में मिली। और वहीं अनिल अंबानी को रिलायंस कैपिटल, रिलायंस एनर्जी और रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज जैसी कंपनीज अपने हिस्से में मिली। 2009 में अनिल अंबानी की इनकम 42 बिलियन डॉलर्स हुआ करती थी और वो दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे। लेकिन इन पिछले 12 सालों में काफी कुछ बदला है। उस वक्त अनिल अंबानी ने पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जमकर निवेश किया और जब पैसे कम पड़े तो उन्होंने सरकारी बैंक से लोन भी लिया, लेकिन वो इन कारोबारों में सफल नहीं हो पाए और उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा। वहीं अनिल अंबानी के बड़े भाई मुकेश अंबानी की 2006 से लेकर अभी तक की नेटवर्थ कई गुना बड़ी है और बढ़कर आज की तारीख में मुकेश अंबानी दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति हैं 78 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ के साथ। 2009 में अनिल अंबानी की कंपनी की वैल्यूएशन गिरकर 80,000 करोड़ रुपए पर आ गिरी थी, लेकिन मार्च 2010 में कंपनी ने जैसे तैसे दोबारा 100,00,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। लेकिन 2011 में 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में नाम उछलने के बाद साल दर साल उनकी कंपनी की वैल्यू गिरती गई और अनिल अंबानी घाटे में जाते गए। जिनको 2G स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि 2G घोटाला इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा घोटाला कहा जाता है। माना जाता है कि 2G घोटाले में तकरीबन 1.76 लाख करोड़ का घोटाला हुआ था और उसमें अनिल अंबानी का नाम भी शामिल था। 2014 में अनिल अंबानी ग्रुप की वैल्यूएशन थोड़ी बहुत बढ़ी, लेकिन तब से अब तक पूरे अनिल अंबानी ग्रुप की वैल्यूएशन आधे से ज़्यादा घट चुकी थी। अनिल अंबानी ग्रुप ने 2015 में डिफेंस सेक्टर में कदम भी रखा था, लेकिन राफेल डील के तहत रिलायंस डिफेंस को ऑफसेट डील मिलने को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया था, जिसकी वजह से अनिल अंबानी फिर से विवादों में आ गए। नहीं तो ऐसा हो सकता था कि अनिल अंबानी राफेल ऑफसेट डील से कमबैक कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए। और अभी हाल ही में 2020 के फरवरी महीने में ब्रिटेन की एक कोर्ट ने कहा है कि उनकी नेटवर्थ जीरो है और वे दिवालिया हो चुके। तो ये थी एक छोटी सी कहानी अनिल अंबानी के बैंकरप्ट होने के पीछे। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर द वीडियो। फिर होती है मुलाकात अगले वीडियो में किसी और।